मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा अब संगठन को भी दुरुस्त करने में जुट गई है। यही वजह है कि भोपाल के एक मंडल अध्यक्ष को अनुशासनहीनता पर हटा दिया गया तो दूसरे को नोटिस दिया गया। पार्टी के अरेरा मंडल के अध्यक्ष मुकुल लोखंडे को प्रदेश पदाधिकारी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हटाया गया। लोखंडे इससे पहले अपने फेसबुक पर पार्टी की ही नेत्री के संबंध में टिप्पणी करने पर कांग्रेस के निशाने पर थे। लोखंडे पर अपनी पत्नी से मारपीट का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि इसकी FIR भी दर्ज है। इसी तरह महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को नोटिस दिया गया। बिना सहमति से मंडल में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करने पर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने नोटिस दिया। 3 दिन में जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव को अब साल भर भी नहीं बचा। ऐसे में संगठन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और संगठन से ऐसे पदाधिकारियों की छुट्टी करने का फैसला किया है जिनके कारण पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सनी मालवीय भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, इस खबर पर विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से पार्टी ने सख्त रवैया अपनाया है अपने उन कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने उन मंडल अध्यक्षों के प्रति जो कि पार्टी की छवि खराब करते हैं। जी, भोपाल में बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है। अरेरा मंडल के अध्यक्ष मुकुल लोखंडे को पार्टी से प्रदेश पदाधिकारी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हटा दिया गया है। तो वही महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को भी नोटिस दिया गया है। बिना सहमति से नियुक्ति करने पर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने नोटिस दिया है। 3 दिन का जवाब भी मांगा है इनसे। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी अरेरा मंडल अध्यक्ष लोखंडे के पद से हटाने को लेटर जारी कर दिया। लेटर में बताया गया है कि लोखंडे द्वारा पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के संपर्क में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। इस वजह से अनुशासनहीनता के दायरे में आती है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निर्देश अनुसार लोखंडे को तत्काल मंडल अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी इनको नोटिस मिला है। इस प्रकार से अध्यक्ष महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष सिंह को नोटिस देकर 3 दिन का जवाब मांगा है। कारण बताओ, नोटिस में कहा गया है कि मंडल अध्यक्ष संविधान के विरुद्ध लगातार कार्य कर रहे थे। 10 दिसंबर को मंडल में किसी गई कोषाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उन्होंने ये मामला आया था, जिसमें बिना जिला अध्यक्ष सहमति के परिवर्तन किया गया। कुल मिलाकर माना गया है कि दोनों ही अध्यक्ष पर गार्ड अध्यक्ष के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, कार्रवाई तो ऐसी ही होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए और तभी एक संदेश भी जाता है, एक मैसेज भी जाता है, लेकिन अपने प्रदेश पदाधिकारी के बारे में ही इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये हिम्मत कैसे आती है? देखिए सोनल जी, इसी को अनुशासनहीनता बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता का स्थान नहीं है। इसीलिए हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष जी ने इन दोनों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करी, दोनों मंडल के जिम्मेदार पदाधिकारी थे। और ये बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश भी, जैसा आपने कहा कि अनुशासन की जो परंपरा है, अनुशासन की जो व्यवस्था, उसका निर्वहन करना चाहिए। जो निर्वहन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी पंकज जी, ये आपने कहा कि ठीक है, संदेश भी इससे मिल रहा है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम या इस तरह की चीजें पहले प्रकाश में नहीं आती थी। ये क्या ये कहा जाए कि इतने लंबे वक्त से जो है बार बार सत्ता मिल रही है या सत्ता का दम है, इसलिए इस तरह का दुस्साहस कर पाते हैं? क्योंकि बीजेपी में वाकई में इस तरह की परंपरा नहीं रही कभी, नहीं आगे भी नहीं रहेगी सोनल जी। यदि कोई कार्यकर्ता इस प्रकार का राजनीतिक कृत्य करता है, जैसा इन दोनों प्रकरणों में उल्लेखित है, तो कार्रवाई की जाएगी। और बड़ा विशाल परिवार है, अब 18 करोड़ सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। और उसमें यदि कोई कार्यकर्ता, भाई पदाधिकारी भले ही, पर मूलतः कार्यकर्ता है हम सब, यदि कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की अनुशासनहीनता कृत्य करता है तो उसके खिलाफ जो विधिवत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, जैसे भोपाल के संदर्भ में हुआ। तो मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ता मूलतः अनुशासित कार्यकर्ता है, और कहीं किसी से जाने अनजाने त्रुटि होती है तो अनुशासन की हमारी व्यवस्था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। जी, डॉक्टर राम पांडे भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए यदि कोई अनुशासनहीनता की, उस पर तुरंत एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी की, और जिस तरह से मंडल अध्यक्ष को अनुशासनहीनता पर हटा दिया गया है, ऐसा सभी पार्टियों में होना चाहिए, और न सिर्फ मंडल अध्यक्ष के स्तर पर होना चाहिए, किसी भी तरह के कार्यकर्ता, वो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, कार्रवाई होगी तो शायद अनुशासनहीनता बनेगी। जी जी राइट जी
जी आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, आपने मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया है बीजेपी ने। जी ओके मैडम, तो ये प्रज्ञा ठाकुर को कब निष्कासित करेंगे, दीपक जोशी को कब निष्कासित करेंगे, जयंत मलैया को कब करेंगे, बिश्नोई को कब करेंगे, ये सुब्रमण्यम स्वामी को कब करेंगे, वरुण गांधी को कब करेंगे? मतलब एक मंडल अध्यक्ष छोटा सा कार्यकर्ता होता है, ठीक है, आपने उसको तो निष्कासित कर दिया, मुझे तो रीजन भी नहीं पता है क्यों किया है निष्कासित। लेकिन ये जो बड़े लोगों के नाम ले रहा हूँ, आजकल सुब्रमण्यम स्वामी हुए, वरुण गांधी हुए, आपके दीपक जोशी हुए, ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो डेली बोल रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर तो अभी बोला है कि चाकू, और वो उषा ठाकुर, और पता नहीं कैसे कितने लोग जो अनुशासनहीनता रोज कर रहे हैं। तो जब तक आप बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बड़े मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेंगे, विधायकों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये छोटे मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष पर कार्रवाई यदि आप करते हैं तो ये नौटंकी या दिखावा है। बड़े नेताओं पर कार्रवाई करें पहले। ठीक, पंकज चतुर्वेदी जी, जैसे डॉक्टर राम पांडे ने पूछा, वही मेरा अगला सवाल भी था कि जो बड़े नेता हैं क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा कि किसी भी महिला के खिलाफ सार्वजनिक रूप से, वो भी प्रदेश पदाधिकारी थी, फेसबुक पर जिस तरह से लोखंडे जी ने टिप्पणी की। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या बाकी नेताओं पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो तो शायद अनुशासनहीनता जो बार बार पिछले कुछ समय से टूटती दिख रही है पार्टी में, वो खत्म हो। पंकज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राम पांडे, शायद पंकज जी तक आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक आपसे ये जानने में जरूर दिलचस्पी रहेगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में अनुशासनहीनता के समय समय पर उदाहरण मिलते हैं, ऐसा सभी दलों में मिलते हैं, कांग्रेस में भी कई मिलते हैं, तो क्या इस तरह से त्वरित कार्रवाई की जाए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, इससे अनुशासनहीनता तो बनती है और फिर कई सारे लंबे नाम लिस्ट में आपके यहाँ भी आते हैं। जी जी, तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर कार्रवाई की है, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। मोदी जी को उन्होंने नीच वाला शब्द उपयोग किया था, उनको भी पार्टी से निष्कासित किया था, जबकि वो तो विरोधी पार्टी के बारे में बोले थे। तो हमारे यहाँ तो बड़े से बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है और करते भी हैं, छोटे कार्यकर्ताओं पर हमारे यहाँ बाद में करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही पार्टी है कि जो ये केवल दिखावा है, क्योंकि बड़े बड़े ड्रामे भारतीय जनता पार्टी में रोज हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। मोदी जी के पास में बैठकर सुब्रमण्यम स्वामी रोज वही बात बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, वही सुब्रमण्यम स्वामी उठा रहे हैं, वरुण गांधी उठा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो प्रदेश स्तर पर भी जो भ्रष्टाचार की, अब जो दीपक जोशी ने तो अभी कल परसों ही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, बागली में जबरदस्त घोटाला चल रहा है। या तो दीपक जोशी जी की बात से आप सहमत हो, और यदि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उनको पार्टी से निकालिए। वहां भारती जी ने कल ही बोला है, लोधी लोधी समाज से आग्रह करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में उनका बोलने का मतलब यही था। लेकिन वहां भारती बड़ी नेता है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे रोज हो रहे हैं। जयंत मलैया ने राहुल लोधी को हराने का पूरा काम किया था, जयंत मलैया को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया, हराने में पूरी ताकत लगाई, क्योंकि वो बड़े नेता हैं इसलिए पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया। बिल्कुल डॉक्टर राम पांडे, चूंकि पंकज जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं इसलिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे इस तमाम बातचीत के लिए आपका।